Hello student of class 6. Today I am going to start geography in social study. Chapter 1. The earth in the solar system. आज मैं आप लोगों को सामाजिक अध्ययन विषय से भूगोल के प्रथम अध्याय शुरू करने जा रहे हैं. At first you should know about solar system. Solar system consists the sun, the planet, satellite and some other celestial body such as asteroid and meteorites. सबसे पहले आप लोगों को सौर मंडल के बारे में जानना चाहिए. सौर मंडल में सूर्य, ग्रह, उपग्रहों और कुछ आकाशीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड इत्यादि सम्मिलित हैं. As you know that there are 8 planets in our solar system. The Earth is one of them. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पृथ्वी उनमें से एक है. The Earth is a third planet to the Sun and fifth largest of the 8 planets. It is a spherical in a shape but slightly slanted at pole. पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह और ग्रह परिवार का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है. यह आकार में गोल है परंतु इसके दोनों ध्रुव थोड़ा चपटी है. द अर्थ इज ए कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज अबाउट 71% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. साथ ही पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% जल से 71% भाग जल से ढका हुआ. द अर्थ हैज एटमोसफेयर अराउंड इट. दिस एटमोसफेयर इज मेड अप नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस. पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल है. यह वायुमंडल नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और दूसरे अन्य गैसों से बना है. द अर्थ इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड. इट हैज वाटर एंड एयर एंड विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न तो अधिक ठंडा. इस पर जल और हवा मौजूद है जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. इन्हीं कारणों से पृथ्वी हमारे सौर मंडल का अनोखा ग्रह है. बस.